हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ज़रा हट कर नाश्ता बनाएंगे, केवल गेहूं के आटे से और आलू से। देखिए नाश्ता कितना खाने में टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। उसमें बहुत तेल भी नहीं लगता है, समझिए बहुत ही कम तेल में सिक जाता है। इस नाश्ते को बच्चे क्या बड़े सभी बहुत अच्छे से पसंद करेंगे। एक बार आप बना कर तो देखिए। चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमने आलू लिया है, उसको आलू को मैश कर लिया है, फोड़ लिया है। अब उसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा क्रश करके डालेंगे। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम आटा लेंगे, आटे में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ये आलू है इसको हम उसी में डाल देंगे। उसी में डाल के आटे में खूब अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छे से उसको सब एक तरीके से पूरा मिल जाए। इसमें कोई मोयन नहीं डालना है, फिर भी बिना मोयन के ही ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब इसको पानी से हल्के हाथों से सान लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सन गया बिना मोयन के, एकदम कितना अच्छा डो तैयार हुआ है। और आलू भी नहीं चिपक रहा है कि आलू से चिपक रहा हो। ये देखिए अब ये जो पनीर है ये हमने घर में बनाया हुआ है। पनीर कस कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। इसमें कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, इसमें भी थोड़े थोड़े मसाले डाल लेंगे, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको मिला लेंगे। ये हमारा आटे में भरने के लिए तैयार हो गया। ये अब उसी आटे की लोई बनाकर उस लोई को हम रोटी की तरीके पतला पतला बेल लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, नई से नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। ये अब हमने जो दो वो भरने के लिए पनीर कद्दूकस किया था, मसाला तैयार किया था, उसको हमने रोटी में देखिए कैसे भर रहे हैं। ऐसे भर के दोनों तरफ से चिपका देंगे, फिर अब इसको इधर से चिपका देंगे और फिर अब इसको इधर से चिपका देंगे। अब हमारा जितनी भी लोइयाँ हैं उन सबका हम नाश्ता ये तैयार कर लेंगे। इसे बच्चे कहेंगे पॉकेट नाश्ता है ये। ये देखिए मेरे सारा जितना मैंने तैयार किया सब बन के तैयार हो गया। अब इसको कढ़ाई में रिफाइंड या सरसों का तेल डालकर अच्छे से सेक लेंगे सुनहरा होने तक। ये इतना कुरकुरा इतना टेस्टी बनता है जिसकी कोई बात नहीं। इसमें जो आलू पड़ा है वो भी नहीं बाहर निकल रहा है कि आलू से फूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा, और कहीं से खुलता भी नहीं है। देखिए खा के देखिए कितना टेस्टी बनता है। हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।